रायबरेली विकास खंड राही के किसान विद्या मंदिर के और दुरानागंज में विद्यालय संस्थापक स्वर्गीय महावीर यादव की तृतीय पुण्यतिथि मनाई गई। विद्यालय के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सदर विधायक अदिति सिंह ने क्षेत्र की 61 निराश्रित और विधवा महिलाओं को अंगवस्त्र पहनाकर सम्मानित किया। सदर विधायक अदिति सिंह ने कहा कि समाज में जातीय बंधनों में बांधने का कार्य कर रहे षड्यंत्रकारियों की साजिश को नाकाम किया जाना चाहिए। पिता के पदचिन्हों पर चलकर जातीय राजनीति से परे हटकर क्षेत्र का सर्वांगीण विकास किए जाने के लिए कटिबद्ध हूँ। उन्होंने विद्यालय के लिए यथोचित सहयोग किए जाने का आश्वासन दिया। पूर्व शासकीय अधिवक्ता और सपा के प्रांतीय नेता ओपी यादव ने कहा कि इतिहास उधर मुड़ जाता है जिधर करबटता की बयार चलती है। परिंदों को मंजिले मिलेंगी यकीनन जो खामोश रहते हैं, जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। रास्ते पर चलो काफिलों की तरह, जब तुम्हारे भी दो हाथ पैर हैं तो क्यों जियो जिंदगी बुजदिलों की तरह। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि क्षेत्र में शिक्षा की अलग जगाने का जो पुनित कार्य संस्थापक ने किया है उसको धार उनके पुत्र विद्यालय प्रबंधक कर रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम नरेश सिंह ने की। विधायक को स्मृति चिन्ह और अंग वस्त्र भेंट कर धन्यवाद और आभार प्रबंधक बाबूलाल यादव और पुष्पक यादव ने व्यक्त किया। संचालन SP यादव ने किया। समाज सेवी कर्मवीर प्रभाकर ने विद्यालय प्रबंधक को प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर रक्षा मंत्रालय में नौसेना अधिकारी मनोज यादव, युवा समाज सेवी नरेंद्र यादव, प्रधान संघ अध्यक्ष संदीप यादव, राजू सिंह, DP सिंह, लल्ला मिश्रा, प्रधान कृष्ण पाल यादव, रामचरण यादव, बंस बहादुर यादव, कुंवर बहादुर यादव, रामकरण चौरसिया, प्रधान टिकारी महेश यादव, अखिलेश माही, उदयराज यादव, शैलेंद्र यादव, कर्मवीर प्रभाकर, बीना मौर्य, देशराज यादव, ब्रिजेश यादव, एडवोकेट आलोक विक्रम सिंह, उषा यादव, सुनील यादव, देवता दीन यादव, HL यादव, सूरज यादव, कृष्णकांत यादव, भूवलाल यादव, देशराज यादव सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। मेरा नाम पंकज कुमार तिवारी है। हम राही ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष थे। अच्छा। हमारा घर उत्तरपारा बेला में और पेशे से हम अधिवक्ता हैं जी। कांग्रेस पार्टी में हम पिछले लगभग 20-25 साल से कांग्रेस की नीतियों पर विश्वास रखते हैं। हमारी नेता प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। उनकी जो पार्टी की जो कांग्रेस की विचारधारा है हम ये हमको अच्छी लगती है। उसी का हम जनता में प्रचार प्रसार करते हैं, क्योंकि रायबरेली ज़िले का जो विकास हुआ है हमारी सांसद जनप्रिय सांसद श्रीमती सोनिया गांधी जी के द्वारा विकास काफ़ी हुआ है। यहाँ पर कौन सा कार्यक्रम मनाया जा रहा है, आपने शिरकत की है? यहाँ पर ये किसान विद्या मंदिर के द्वारा इस श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन हमारे दीपक यादव जी ने किया है। इस विद्यालय के संस्थापक थे, हम उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समाज सेवी थे, ये बहुत ही अच्छा कार्य है कि उन्होंने इस क्षेत्र में एक बच्चों की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला। हम इसके लिए भी उनके आभारी हैं। ये विद्यालय बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। इसके जो अध्यापक हैं, वर्तमान जो प्रबंधक जी हैं, बहुत ही मिलनसार हैं और शिक्षा के मामले में ये विद्यालय काफ़ी अच्छा है। पूरे क्षेत्र में ये होता है कि किसान विद्या मंदिर क्षेत्र में बहुत अच्छा है, अच्छी शिक्षा मिलती है।